नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। पहले देश के लोगों को महंगी गाड़ी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले नालंदा के साइबर ठग ने इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में ठगी का नया तरीका निकाला है। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों से ऑक्सीजन के नाम पर ठगी करने वाले चार साइबर ठगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन ठगों ने ऑक्सीजन बिक्री का झांसा दे संक्रमित के परिवार से लाखों की ठगी की है। दिल्ली में इस तरह की ठगी का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद दिल्ली साइबर सेल की टीम इन ठगों की गिरफ्तारी के लिए नालंदा पहुंची थी, जहां नालंदा एसपी हरि प्रसाद एस के द्वारा गठित टीम के सहयोग से दिल्ली पुलिस सप्ताह भर से कैंप कर चार ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बदमाशों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, सीम, नकदी व अनेकाय आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। चार बदमाशों को दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई, जबकि आठ अन्य ठगों पर कतरीसराय थाना में केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कार्रवाई सदर डीएसपी डॉक्टर मोशिबली नोमानी के नेतृत्व में टीम गठित कर हुई। टीम में नगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार, कतरीसराय थानाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। गिरफ्तार किया गया जो ऑक्सीजन के नाम पर ठगी करता था। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में हम लोग साइबर ठग हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के जो क्राइम ब्रांच के पदाधिकारी यहाँ आए थे, दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पे काफ़ी लोगों से ठगी की गई थी, जिसके संबंध में वहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहाँ की टीम हम लोगों के पास आई और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया, सहयोग प्रदान करने हेतु अपेक्षित सहयोग हम लोगों ने वहाँ की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी कर, जो मेन ने वहाँ जो FIR दर्ज थे उसमें चार जो साइबर ठग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। उन लोगों के पास से दर्जनों ATM, लैपटॉप, मोबाइल, कैश वगैरह की बरामदगी हुई है। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के पुलिस के द्वारा जो है जो अरेस्ट हुए हैं उनके संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने लगते हैं? पूर्व में मानपुर थाने से दो की गिरफ्तारी हुई थी और कतरीसराय में भी लगभग आधा दर्जन साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई थी। और जो दिल्ली से जो क्राइम ब्रांच के जो पदाधिकारी आए थे उन लोगों के साथ संयुक्त छापेमारी कर हम लोगों ने चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। और जो पूछताछ में और भी लोगों के नाम आए हैं जिनके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं।